अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है, अब उसका कमाल देखना। मोटू पतलू के साथ साथ पूरे फुरफुरी नगर को मूर्ख नगरी में बदल दूंगा। इसे जिसको खिला दोगे वो एकदम मूर्ख बन जाएगा और मूर्खों की तरह बिहेव करेगा। नंबर वन, नंबर टू, अब मैं पूरे फुरफुरी नगर को मूर्ख बना दूंगा, फिर उन पे राज करूंगा। जाओ जाओ, ये दवा सबको मिठाई में मिला के खिला दो। आओ भाइयों, आओ और भर भर पेट मिठाई खाओ। हाँ, आज ना बहुत खुशी का दिन है, हमारी आजादी का दिन है। आज से हम जॉन के चुंगल से आजाद हो गए। अरे जॉन ने तुम्हें अपनी गैंग से निकाल दिया क्या? अरे नहीं नहीं बॉक्सर भाई, वो तो खुद ही ये फुरफुरी नगर छोड़ के भाग गया। भाग गया? आप लोगों ने उसे बार बार पीटा तो वो डर कर भाग गया। सब मेरे मरीजों की, ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। लाओ यार लाओ, इसी खुशी में मैं तो जरूर मिठाई खाऊंगा। हाँ यार, ओए लाओ हमें भी खिलाओ। मुझे खुश होने का 20 साल का तजुर्बा है। लाओ मिठाई लाओ। I am happy. अरे मोटू पतलू, क्या क्या तुम्हें जॉन के भागने की खुशी नहीं हुई? तुम भी तो मिठाई खाओ है, खाओ। अभी खाते हैं, बस ये समोसा मुंह के अंदर चले जाए। रुक जा मोटू, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये जरूर जॉन की चाल है। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम ही बताओ क्या करें। अरे वाह बड़े भैया, बहुत ही मीठी मिठाई है। ओए, अरे मैं इसके अंदर घुस के बॉक्सिंग करूंगा ना, तो मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। ये हो क्या रहा है? सीताराम ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे चांद पे जाना है। लाओ और लकड़ी लेके आओ, अभी सीढ़ी थोड़ी छोटी पड़ रही है। तो ये हो क्या रहा है? मोटू पतलू मेरे यार, मेरे भाई, मेरे इस रॉकेट पे बैठो, इसे ट्रायल के लिए जमीन के अंदर भेजना है। ये आसमान में नहीं यार, जमीन के अंदर जाएगा। लगता है चोर के चमचों ने दवाई में कुछ मिला के इन्हें खिला दिया है, जिससे इनके दिमाग पे असर हुआ है। और सब लोग मूर्ख बन गए हैं। अरे चिंगम सर, आप जेल क्यों तोड़ रहे हो? इसलिए ताकि कैदियों को खुली हवा मिल सके। लेकिन इससे तो कैदी भाग जाएंगे। यम्पो,
इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। वो भागेंगे तो उनके सिर पे हाथ थोड़ा मार मार के जमीन में गाड़ दूंगा। फुरफुरी नगर का राजा हूँ, तुम्हारा महान राजा जॉन द डॉन। तुम मूर्खों की तरह बिहेव करो, जॉन को शक नहीं होना चाहिए कि हम ठीक हैं। राजा जी की जय हो। राजा जी, हम जेल तोड़ रहे हैं ताकि कैदियों को खुली हवा मिल सके, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं सबकी मदद करूंगा, तुम सबका हर काम करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा महान राजा हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो आपके मनोरंजन के लिए हमने बॉक्सिंग मैच रखा है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन और पूछ पूछ। सब खड़े हो जाओ, हमारे महाराजा जॉन द डॉन आ रहे हैं। अगर फुरफुरी नगर में कोई शेर है तो आओ और कमलपुर के शेर से मुकाबला करो। आओ। ये हमारे महाराज का अपमान है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब महाराज स्वयं इस मूर्ख घमंडी बॉक्सर को दंड देंगे। हमारे महाराज तुझे रिंग में इतना मारेंगे कि तेरी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी और तू उनके पैरों में पड़कर माफी मांगेगा। अरे ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैं क्यों लड़ूं, मैं तो राजा हूँ राजा। जाओ जाओ, तुम लोग उसे मारो, ये मेरी आज्ञा है। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, अगर आप नहीं लड़े तो सब लोग आपको डरपोक समझेंगे और फिर आपको राजा भी नहीं मानेंगे। आप तो बस जाकर उसे एक दो पंच मारिए, उसके बाद वो खुद ब खुद हार जाएगा। हम उसे डरा देंगे कि अगर महाराज को हराया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ऐसी बात है तो मैं अब भी जाता हूँ और दो क्या चार पंच मारता हूँ। सुनो सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो। हमारे राजा जी जॉन द डॉन मार्स प्लेनेट को विजय करने जा रहे हैं। हमारे राजा का राज पूरे यूनिवर्स में होगा। बोलो महाराज की जय। महाराज, मार्स से लौटने के बाद राजा साहब आप डॉक्टर झटका के रॉकेट पे बैठकर पाताल लोक जाएंगे, पर फिलहाल मार्स पे जाइए। मैं समझ गया, तुम दोनों मूर्ख नहीं बने, तुमने दवाई नहीं खाई। तुम दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हो। अब जान ही गए हो तो सबको ठीक करने का एंटीडोट दे दो तो ही बचोगे, वरना मार्स से गिरोगे तो पाताल लोक में जाओगे और वहाँ से तो गिरने का भी कोई चांस नहीं है। नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, सब लोग ऐसे ही रहेंगे, मुझे छोड़ो छोड़ो। एंटी डॉट देते हो या पाताल विजय पे जाना है?
देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी राजा नहीं बनूंगा। लो भैया मिठाई खाओ। चार, तुम बच नहीं सकते। वापस आने का तरीका तो बता दो। कितनी बार कहा मैंने बॉस, हजार साल जियो, लेकिन मोटू पतलू से पंगा मत लियो, आप सुनते ही नहीं। yes, 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 yes!